ना उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें कराना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एंड दैट आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट एमलगमेशन ऑफ कंपनीज. ओके सो आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल. यस मैम. ओके सो इन लिवरेज वी स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ लिवरेज पढ़ा था हमने, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज. ठीक है. एंड लिवरेज मीन्स दैट लिवरेज इज यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फिक्स कॉस्ट एसेट्स ऑफ फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. कंपनी जो फिक्स कॉस्ट एसेट को या फिक्स कॉस्ट फंड को यूटिलाइज करती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिटर्न को ईपीएस को इंक्रीज करें. ठीक है. तो उसको हम कहते हैं लिवरेज. ठीक है. चाहे वो फिक्स कॉस्ट एसेट हो या फिक्स कॉस्ट फंड हो. ठीक है. तो यहाँ पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज, एंड थर्ड वन इज कंबाइंड लिवरेज. ओके सो यहाँ पे यू कैन सी के ऑपरेटिंग लिवरेज हम किसको कहेंगे. ठीक है. जहां पे हम फिक्स कॉस्ट एसेट्स का को यूज करेंगे अपनी ईबीआईटी को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है. ओके तो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमारा जो ईबीआईटी है वो इंक्रीज होता है. अगर सेल इंक्रीज होता है, सेल इंक्रीज होगा तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ईबीआईटी पे पड़ेगा. ठीक है. एंड ईबीआईटी इंक्रीज होगा इफ सेल्स इंक्रीज होगा. सेल्स इंक्रीज होगा तो हमारा ईबीआईटी इंक्रीज होगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम इसका ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लेते हैं एंड ऑपरेटिंग लिवरेज के बेस पर फाइंड आउट करते हैं कि अगर 1% इंक्रीज हुआ है सेल में तो ईबीआईटी में उसका कितना परसेंट या हम क्या कितना टाइम्स ईबीआईटी में इंक्रीज होगा. ठीक है. एंड दैट इज ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहता है. ठीक है. दैट्स व्हाई सेल के इंक्रीज होने से हमारा ईबीआईटी इंक्रीज होता है. ठीक है. सपोज यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा 2 times आया तो इट मीन्स हमारा अगर 1% इंक्रीज हो रहा है सेल में तो 2 times इंक्रीज होगा हमारा ईबीआईटी में. ठीक है. एंड दैट इज ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट. अच्छा अगर हम रिवर्स देखते हैं, सेल डिक्रीज हो रहा है, सपोज 1% सेल डिक्रीज हो रहा है तो 2 times हमारा ईबीआईटी भी डिक्रीज होगा. ठीक है. तो इसीलिए हम ऑपरेटिंग लिवरेज को निकालते हैं टू फाइंड आउट कि हमारा सेल्स का इम्पैक्ट हम ईबीआईटी पे देखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा था फिक्स कॉस्ट फंड. फिक्स कॉस्ट फंड हमारे जैसे प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देना होता है, दैट इज फिक्स्ड, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है फिक्स्ड. ठीक है. तो इनसे जो फंड रेज होता है, ठीक है, तो इनको फिक्स इंटरेस्ट पे करना होता है. तो ईबीआईटी में से जब हम इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं तो हमें ईबीटी मिल जाता है, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स. एंड देन आफ्टर हम उसमें से टैक्स डिडक्ट कर देते हैं तो हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाता है. ठीक है. एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स जो होता है उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो रिमेनिंग बचता है प्रॉफिट, दैट इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है. एंड इसमें से हम अगर ईपीएस को निकालें तो हमारा क्या होगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. तो हमें एक शेयर की अर्निंग मिल जाएगी एंड दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर. ठीक है. तो ये हमारा हो गया पूरा, ये हमारा हो गया फाइनेंशियल लिवरेज. इसको हम कहेंगे फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब हम फिक्स कॉस्ट फंड को यूज करके जो अपना अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करते हैं उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज. फाइनेंशियल लिवरेज हमारा फाइनेंशियल रिस्क बताता है एंड ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा बिजनेस रिस्क को बताता है. ठीक है. और मैंने आपको ये 2 formulas बताए थे ऑपरेटिंग लिवरेज के. फर्स्ट था हमारा डिग्री ऑफ लिवरेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन हमारा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. ठीक है. तो यहाँ पे आप इजी वे में याला लगा सकते हो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. ठीक है. एंड दोनों से आंसर वुड बी सेम, दोनों से आंसर आपका सेम होगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल लिवरेज को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 2 formulas are there, that is first is percentage change in EPS upon percentage change in EBIT. तो यहाँ पे हम financial leverage में EBIT में जो change हो रहा है उससे हम EPS में change देखते हैं. ठीक है. और operating में हम sales में जो change हो रहा है उससे हम EBIT में change देखते हैं. operating में sales का
चेंज देखते हैं ईबीआईटी पे, और फाइनेंशियल में ईबीआईटी का चेंज देखते हैं ईपीएस पे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीटी इज अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इन दो से आपका जो आंसर आएगा वो सेम होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था एंड आई थिंक दैट वॉज क्लियर, ठीक है। एक बार मैं इसको जरा रिवाइज करके आगे जाती हूँ, ठीक है। सेल्स सपोज 10 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट उसका 60% है, तो 60% हमारा 6 लाख हो गया, एंड सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमें ईबीआईटी मिल जाएगा, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। यहाँ पे बताया है कि हमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए हमने देखा कि हमारा कितना परसेंट सेल में इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा कि जो हमारा सेल्स में इंक्रीज यहाँ पे हुआ था वो हुआ था 50%, 50% इंक्रीज हुआ, इट मींस 5 लाख इसमें और एड अप हो गया, ठीक है। 10 लाख में 5 लाख एड अप हो गया, तो 15 लाख सेल्स अगर हो गया है तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकाल लिया था, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने जो है न्यू सेल्स माइनस ओल्ड सेल्स डिवाइडेड बाय ओल्ड सेल्स, ठीक है। इससे हमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स मिल गया एंड दैट इज 50% चेंज हुआ है सेल में। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हम कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी हम पहला वाला देखेंगे, ईबीआईटी क्या था बिफोर चेंज इन सेल, एंड आफ्टर देखेंगे आफ्टर चेंज इन सेल हमारा ईबीआईटी क्या था। बिफोर चेंज इन सेल हमारा ईबीआईटी था 3 लाख, ठीक है। एंड आफ्टर चेंज इन सेल हम फाइंड आउट करेंगे, एंड वो कैसे करेंगे, हम करेंगे दैट इज 15 लाख जो चेंज होने के बाद सेल्स आई है 15 लाख, ठीक है, माइनस 60% वेरिएबल कॉस्ट, देन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। जो हमारा आया ईबीआईटी दैट वॉज हमारा था That was हमारा 5 लाख, ठीक है। ये 5 लाख है मेरा, ठीक है। ये 5 लाख था, 5 लाख आया, और पहला वाला था 3 लाख, तो हमने परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल लिया, ठीक है। एंड इसके बेस पर हमने फिर ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लिया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वॉज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, एंड दैट वॉज हमारा था दैट इज 1.3 times, ठीक है। फिर हमने फाइनेंशियल लिवरेज ऐसे ही निकाला था, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला हमारा क्या है, उसका है हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ठीक है। ओके, मतलब ईबीआईटी में जो चेंज होगा उससे ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो एक एग्जाम्पल लिया था, ईबीआईटी 5000 और अब उसमें चेंज होकर 10,000 हुआ है ईबीआईटी, एंड फाइंड आउट किया कि हमारा ईपीएस में क्या इफेक्ट पड़ा, एंड ईपीएस में जो इफेक्ट पड़ा वो हमने देखा पहले था 0.5, अब हो गया 3, ठीक है। तो हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज जब निकाला तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालने पर हमने देखा 5 times हमारा आया है, ठीक है। 5 times मतलब हमारा ईबीआईटी में अगर 1% चेंज होगा तो ईपीएस में उसका हमारा 5 times चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाला तो 100% आया, और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस देखा तो 500% आया, मतलब 5 times ये बढ़ गया हमारा ईपीएस, ठीक है। दिस इज ड्यू टू फिक्स कॉस्ट फंड, ठीक है। फिक्स कॉस्ट फंड की वजह से ये हमारा जो है इसका इम्पैक्ट पड़ा है, एंड दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज, ओके। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कंबाइंड लिवरेज, ठीक है। कंबाइंड लिवरेज आई टोल्ड यू दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ठीक है, नो दैट इज नॉट, ठीक है। कंबाइंड लिवरेज इज हमारा दैट इज परसेंटेज चेंज इन सिस्टम, कंबाइंड लिवरेज हमारा आएगा दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स,
ये हमारा कंबाइंड चेंज दिखाएगा, ठीक है, मींस ये ओवरऑल इंपैक्ट दिखाएगा हमारा, पूरा ओवरऑल इंपैक्ट फिक्स्ड कॉस्ट एसेट का भी और फिक्स्ड कॉस्ट फंड का भी, ये पूरा इंपैक्ट हमारा दिखाएगा कि हमारा ईपीएस में क्या इफेक्ट पड़ा, पूरा सेल्स में चेंज होने पर पूरा हमारा ईपीएस में क्या इफेक्ट आया, ओवरऑल चेंज दिखाएगा, ये हमारा ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज दोनों का ही इंपैक्ट दिखाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपरेट कंबाइंड लिवरेज, ठीक है। इसको हम कैसे निकालते हैं, हम इसको ऐसे निकालेंगे कि हम ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, एंड फाइनेंशियल लिवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, एंड दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कंबाइंड लिवरेज मिल जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, एंड ऑपरेटिंग लिवरेज को अगर हम डिफाइन करें तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं that it shows relationship between sales and EPS, ठीक है, it shows relationship between sales and EPS, ठीक है, okay, तो here we have this question, इस question के base पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो है वो combined leverage कैसे निकलता है, इसको हम पूरा नहीं देखकर ऐसे देख लेते हैं, हमने operating leverage निकालना सीख लिया है, ठीक है, हमने financial leverage निकालना देख लिया है, ठीक है, operating leverage हमारा 6 times है, फाइनेंशियल लिवरेज 2 times है, तो हम कंबाइंड लिवरेज निकाल लेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, दैट इज 6 into 2, दैट इज 12 times, ठीक है, तो ये हमारा 12 times आ गया, दैट इज कंबाइंड लिवरेज, एंड ये हमें कंबाइंड इफेक्ट इंपैक्ट बताएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज का एंड फाइनेंशियल लिवरेज का, दोनों का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें है वो एक ये है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन ने हमें दिया है कि अ फर्म की डिटेल दी है जिसका सेल्स दिया है 24 lakhs एंड वेरिएबल कॉस्ट दी है 50% एंड फिक्स कॉस्ट दिया है 10 lakhs। ओके, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फर्म ने बोरो किया है 10 lakhs एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, and its equity shares share capital is rupees 10 lakhs of rupees 100 each. Here you have to find out operating leverage, financial leverage and combined leverage. Okay, so यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि if the sale increases by rupees 6 lakhs, ठीक है, इन्होंने कहा अगर सेल्स 24 लाख से इंक्रीज होके 30 लाख हो जाए, मतलब सेल्स इंक्रीजेस बाय रुपीज 6 लाख हो जाए, तो हमारा न्यू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होगा, ठीक है, न्यू ईबीआईटी क्या होगा, ठीक है, तो फर्स्ट हम बिफोर चेंज निकालेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे चेंज होने के बाद क्या पड़ा इफेक्ट, ठीक है, तो हियर बिफोर चेंज हमारा सेल था 24 lakh, ठीक है, इसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट जो 50% दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लेस कर दिया, दैट इज 12 lakh वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 12 lakh, ठीक है, अब इसमें से हम फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमें ईबीआईटी मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड देन उसमें से हम इंटरेस्ट को लेस करेंगे तो हमें अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा, फिर हम उसमें से टैक्स को डिडक्ट करेंगे तो हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज 50,000, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए हैं वो दिए हैं 10,000, अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, दैट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज अर्निंग पर शेयर इज रुपीज 5, ठीक है, अर्निंग पर शेयर हमारा 5 rupees आया। ओके, सो ऑपरेटिंग लिवरेज यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, सेकेंड फॉर्मूला हमने लगाया है, ठीक है, एंड हमारा जो ऑपरेटिंग लिवरेज आया है वो है 6 times। ओके, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, एंड फाइनेंशियल लिवरेज हमारा आया है 2 times, सो वी कैन फाइंड आउट कंबाइंड लिवरेज, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है, एंड दैट इज 12 times। ओके, एंड कंबाइंड लिवरेज का दूसरा फॉर्मूला जो है वो है
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी. ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस ऑल्सो कि आप ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज को निकाल लिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज, तब भी आपको कंबाइंड लिवरेज मिल जाएगा, ओवरऑल इम्पैक्ट मिल जाएगा हमारा ईपीएस पे. ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है कि आप कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी कर दे, कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स कर दे, तब भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा, दैट इज 12 टाइम्स. तो दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक तो ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज एंड सेकेंड कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी. ठीक है, बोथ विल गिव यू द सेम आंसर एंड दैट इज 12 टाइम्स. ओके, हियर द क्वेश्चन इज इफ सेल इंक्रीजेस बाय रुपीज 6 लाख, तो पहले 24 लाख था, अब कितना हो गया, सेल हो गया 30 लाख हो गया, 6 लाख से बढ़ गया. ठीक है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकाल लें. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स जो आया वो हमारा आया 30 लाख माइनस 24 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख. ठीक है, कैसे, न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर, 25% परसेंटेज चेंज इन सेल आया. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज निकालने का यही तरीका है, न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर. ठीक है, दिस इज 25%, परसेंटेज चेंज इन सेल इज 25%. ओके, ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है, ये हमें निकालना है. हमारे पास ऑपरेटिंग लिवरेज जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में था, कितना आया था, दैट इज 6 टाइम्स. ठीक है, 6 टाइम्स हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज था, हमने परसेंटेज चेंज इन सेल निकाल दिया, तो हमने देख लिया कि हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 150%. ठीक है, 150% चेंज हमारा ईबीआईटी में होगा. ठीक है, तो ओल्ड ईबीआईटी हमारा 2 लाख था, 2 लाख का 150% हमारा हो गया 3 लाख. ठीक है, इस 3 लाख को पहले वाले 2 लाख को जब हमने ऐड कर दिया तो 5 लाख न्यू ईबीआईटी हो गया. ठीक है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम सेल्स के चेंज होने के बाद देखें क्या आया. ठीक है, सेल्स हमारा क्या था, 30 लाख चेंज होके आया, लेस हमारा 15 लाख, 50% वेरिएबल कॉस्ट हमने लेस किया, कंट्रीब्यूशन 15 लाख आया, उसमें से हमने फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया. ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमारा 10 लाख है. ठीक है, एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा 5 लाख आ गया. ठीक है, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट. ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो. आई थिंक दिस इज क्लियर. एंड नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज amalgamation. Okay, what is amalgamation of companies? Okay, so यहाँ पे हम देखते हैं amalgamation क्या है और इसका मतलब क्या है. ठीक है, amalgamation को हम देखते हैं accounting standard 14 में. ठीक है, कौन सा, accounting standard 14 में हम amalgamation को पढ़ते हैं. ठीक है, इसका accounting standard 14 है. ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ amalgamation, absorption एंड external reconstruction, एंड इन तीनों में जो हमारा बेसिक डिफरेंस है वो क्या है. ठीक है, इन तीनों में हमारा डिफरेंस क्या है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें amalgamation, ठीक है, amalgamation, मैम amalgamation भी फाइनेंस में ही है. व्हाट, amalgamation topic भी finance का ही topic है, finance के अंदर ही है. No, that is the topic of accounts. ठीक है, वो आपका cover हो गया. मैं ये आप लोग कैसे पढ़ा रहे हो कि कभी finance चल रही है, कभी accounts, कम से कम syllabus ही बता दो या कैसे पढ़ाना है. अब बार बार स्विच कैसे होते रहेंगे, वो भी बीच लेक्चर से. Actual में ना ही कोई एक्चुअल में वो टॉपिक क्लियर कंप्लीट हो गया था लिवरेज वाला. सो टाइम इज देयर, तो मैंने आई थॉट कि मैं amalgamation स्टार्ट कर दूं. मैम तो फिर ऐसे तो हम लोग को सिलेबस बता दिया गया है, 6 महीने का टाइम है, तो हम लोग अपने आप से ही पढ़ लेंगे. ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि आप लोग कभी भी कोई भी टॉपिक उठा लेते हो. हम लोग आशीष, इनको तो एटलीस्ट आप अभी कुछ मत कहिए, इनको स्टार्ट कर लेने दीजिए. हाँ,
अगर एक आपको लग रहा है कि बहुत सिस्टमेटिक चीजें चल रही तो ठीक है, क्योंकि सामने तो बाद में ग्रुप में डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है ना, एक के उनके तक बात भी तो पहुंचनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं या हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपका मतलब ये है कि आज मैं यही टॉपिक रखूं, ठीक है, मैं इस पे स्विच ओवर नहीं। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि आप जो भी टॉपिक एक लेकर के शुरू कर रहे हो तो आप उसके बारे में पूरा अच्छे से या हमको जो भी पढ़ाया जा रहा है तो वो बता दीजिए कि हम लोग भी प्रिपेयर रहे। जैसे आप जब पढ़ाते हो तो हम लोग जब अपनी तरफ से थोड़े प्रिपेयर रहेंगे तो उन चीजों को देख करके आपसे क्वेश्चनिंग करके टॉपिक क्लियर किया जा सकता है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली टॉपिक चेंज हो रहा है तो फिर ऐसे हमारे माइंड में भी क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। हम लोगों की क्लास से यही बात मतलब कही जा रही है, जैसे कोई टीचर अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी रखी ताकि हम लोग भी अपने से पढ़ सके। जैसे आपने 20 से पुट किया, अब हम लोगों को मान लीजिए एमलगमेशन की नॉलेज थोड़ी कम है, हम लोग अभी प्रिपेयर नहीं, बट आपने बहुत चीजें बता डाली। हालांकि आपका तरीका गलत नहीं था, आपके पास समय बच रहा था, आपने कंटिन्यू नहीं, मैं पर्टिकुलर मैम को आपको नहीं बोल रहा, आपको मैम कुछ बोला नहीं जा रहा है, तक बात पहुंचा दिए तो हम इंस्टीट्यूशन तक कैसे जाएंगे, वो तो एक तरीका होना चाहिए। आज आप मैम को ये शुरू करने दीजिए, मैम आप एमलगमेशन में बेसिक बता दीजिए, अब फर्दर अगर आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करिएगा प्लीज हम लोग को ग्रीन फॉर्म कर दीजिएगा ताकि उस टॉपिक के लिए हम लोग खुद भी सेल्फ प्रिपेयर रहे। ठीक है, ठीक है मैम, मैम आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लिवरेज? लिवरेज से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका? यस मैम। हाँ बताइए। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ लिवरेज ऑन आरओआई एंड आरओई? जस्ट अ मिनट। यस हाँ बताइए, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ हम लिवरेज का इम्पैक्ट ही देखते हैं अर्निंग पर शेयर पे क्या हुआ है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है कि जितना ओवरऑल कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है उस पर क्या रिटर्न मिला इक्विटी शेयर होल्डर्स को, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। आज जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं वो आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे देखते हो, ठीक है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। देयर इज एनी प्रोसेस कि आरओआई से हम आरओई पे जो पहुंचते हैं उस पर लिवरेज का इम्पैक्ट क्या आता है? जरा तेज बोलिए, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं हो रही। ROI से हम ROE पे अगर पहुंच रहे हैं तो लिवरेज का क्या इंपैक्ट आता है? लिवरेज का इंपैक्ट हम देखते हैं, देखिए एक तो मैंने आपको बताया कंबाइंड लिवरेज, ठीक है। कंबाइंड लिवरेज का मतलब है कि ओवरऑल आप अपना सेल को इंक्रीज करें, ठीक है। सेल को इंक्रीज करने से क्या होगा कि रेवेन्यू जनरेट होगा, एंड रेवेन्यू को जनरेट करने से हम जो है अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाएंगे। अगर फिक्स कॉस्ट को हम कवर नहीं कर पाते हैं तो इसका रीजन ये होगा कि हमारा फेवरेबल नहीं है लिवरेज, एंड उसकी वजह से कंपनी जो है बिजनेस जो है वो शट डाउन लिक्विडेट हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना है, इतना आपको सेल्स करना है, इतना रेवेन्यू जनरेट करना है कि वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो। मैम सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट ही कवर करनी है, वेरिएबल कॉस्ट को हम नहीं लेंगे? इसका इम्पैक्ट हम लिवरेज का इम्पैक्ट ही देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी सेल्स के साथ बढ़ती है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी सेल्स के साथ बढ़ती है। मैम वन थिंग ये कि अगर मान के चलिए आई हैव सर आई एम इन टू ऑप्शन कि हमारे पास एक अनलिवर्ड फर्म एक लिवर्ड फर्म है, तो हाउ टू टेक द डिसीजन कि हमारा इन्वेस्टमेंट बेहतर लिवर्ड में है कि अनलिवर्ड में है विद द हेल्प ऑफ लिवरेज? नॉट, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज क्लियर करिए अपना। मैम ये कह रहा हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेना है कि हमारे सामने दो कंपनी है, एक है लिवर्ड है और एक अनलिवर्ड है, एंड हाउ टू टेक द डिसीजन। एक क्या है, एक लिवरेज है और एक अन एक लिवर्ड फॉर्म है एक अनलिवर्ड फॉर्म है, हाउ टू टेक द डिसीजन कि विच वन इज द बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिवरेज? जिसमें ईपीएस ज्यादा होगा, आपका अर्निंग पर शेयर जिसमें ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इट मींस आपका उस पे उसका लिवरेज अच्छा है, ठीक है, इट मींस जो हमारा इफ वी टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस
then why leverage is required for taking the decision? Your voice is not clear. Please, so आप speak fast, loud बोलिए थोड़ा. Okay, okay. So that it may be audible. मैम next time हम कर लेंगे फिर. Proceed करिए आप आगे continue. नहीं नहीं आप पूछिए अपना question. हम ये कह रहे हैं if the decision is taken on the basis of EPS, why leverage is required? Every decision should be taken on EPS, then why leverage is required? लिवरेज इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज. देखिए आप इसको क्लियर कर लिए. लिवरेज इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, ईबीआईटी को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, हम जो ऑपरेटिंग लिवरेज देखते लगाते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज को हम देखते हैं कि सेल्स का इंपैक्ट हमारे ईबीआईटी पे कितना पड़ रहा है. ठीक है, अगर फिक्स कॉस्ट फिक्स ना हो और वो भी बढ़े, ठीक है, अगर फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगी तो हम, एक मिनट आप फर्स्ट लिसन टू मी, अगर फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स्ड ना हो तो वो भी बढ़े तो ईबीआईटी नहीं बढ़ेगा सेल्स के साथ. ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होती है, इसीलिए हमारा सेल्स के बढ़ने पर ईबीआईटी बढ़ता है. ठीक है, और लिवरेज हम इसी को कहते हैं. फिक्स कॉस्ट अगर फिक्स्ड ना हो, ठीक है, तो हमारा ईबीआईटी भी नहीं बढ़ेगा. ठीक है, और यही हमें इम्पैक्ट देखना होता है. ईबीआईटी सेल्स के साथ इसीलिए बढ़ता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट की वजह से हमारा ईबीआईटी इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन सेल्स. ठीक है, और अगर सेल्स कम होगी तो आपका ईबीआईटी भी कम होगा, वो भी डिक्रीज करेगा. ठीक है, अगर ऑपरेटिंग लिवरेज आपका टू टाइम्स है तो इट मीन सेल्स बढ़ने से आपका ईबीआईटी भी टू टाइम्स बढ़ेगा. सेल्स 1% बढ़ेगा, ठीक है, और ईबीआईटी आपका टू टाइम्स बढ़ जाएगा. ठीक है, बट अगर इन केस सेल आपका डिक्रीज हो रहा है तो ईबीआईटी भी आपका डिक्रीज हो जाएगा. सेल 1% डिक्रीज होगा तो ईबीआईटी आपका 2 times डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे ईबीआईटी जो आपका बढ़ रहा है और घट रहा है ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सेल्स, एंड दैट इज ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट. ठीक है, अगर फिक्स कॉस्ट भी बढ़ता और घटे तो हमारा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा सेल का ईबीआईटी पे. ठीक है, हाँ ओके. तो यहाँ पे हम हाँ और कोई amalgamation when they are, हम इन तीन activities में देखेंगे क्या difference है. First हमारा है amalgamation, second absorption and third external reconstruction. ठीक है, what happens के student get confused between these three activities. ठीक है, इन तीन में क्या हमारा डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्यूज मी मैम. हाँ नथिंग मैम, वो स्क्रीन विजिबल नहीं थी, हो गई अब. हो गई, ओके. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमलगमेशन, एंड मोर प्रिसाइसली हम कहें कि डिफरेंस हम देखते हैं अगर एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इन तीन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल amalgamation, सपोज दे आर टू कंपनी ए एंड बी. ठीक है, ए एंड बी अपनी एग्जिस्टेंस को लूज कर देती हैं टू बिकम पार्ट ऑफ न्यू कंपनी. सपोज दे आर टू दो कंपनीज थी ए एंड बी. ठीक है, ए एंड बी दोनों की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई. ठीक है, उनकी एग्जिस्टेंस अब नहीं रही और एक न्यू कंपनी फॉर्म हो गई. ठीक है, एंड न्यू कंपनी विद द नेम सपोज ए बी. ठीक है, ओके, दिस इज amalgamation व्हेन टू और मोर कंपनीज गो इनटू लिक्विडेशन एंड अ न्यू कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड. एंड न्यू कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है टू टेक ओवर देयर बिजनेस, इट इज नोन एज amalgamation. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं अगर एक न्यू कंपनी सी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हो गई है टू टेक ओवर ए एंड बी, तो ए एंड बी का अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, लीगल एग्जिस्टेंस इनका खत्म हो गया. ठीक है, तो दैट इज द केस ऑफ amalgamation और एक न्यू कंपनी फॉर्म्ड हो गई. ठीक है, तो ये दोनों कंपनी ए एंड बी कॉफिन में चली गई एंड एक सी न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, रजिस्टर्ड हो गई एंड वो एग्जिस्टेंस में आ गई सी कंपनी टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए एंड बी. That is the case of amalgamation. Yes, ma'am. Excuse me. हाँ? Ma'am, एक question था.
Yes. Amalgamation, and that means if the old company is equal to new company, that is amalgamation. Huh? Amalgamation मतलब मैम कि दो पुरानी कंपनियां हैं अगर मर्ज होके एक नई बन जा रही तो amalgamation. हाँ, और जो पुरानी कंपनी है वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी. मैम by using transfer of assets and liability या by using of purchasing of shares. Yes, please फिर से बताइए, फिर से बोलिएगा. मैम जैसे कि ए कंपनी और बी कंपनी दो कंपनियां हैं, अगर वो मर्ज होके एक नई कंपनी सी बन जा रही, दैट इज amalgamation. यस, न्यू कंपनी फॉर्म होना चाहिए और वो दो कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी. ठीक है, मैम बाय ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और बाय ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स. बाय द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ठीक है, अभी जब आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो ये आपके और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन मींस देयर इफ वन कंपनी, एक कोई एक कंपनी है जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है एंड वो बिकम हो गई, वो एक पार्ट बन गई है दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी का, and that is called absorption. ठीक है, यहाँ पे in this case no new company, absorption में कोई नई company नहीं incorporate होती है. ठीक है, but one existing company purchases and merge other companies या companies. ठीक है, okay, इसमें कोई एक नई company incorporate नहीं होती है, but one existing company purchases and merge other company. कोई एक existing company पहले से है, ठीक है, उसी में दूसरी कंपनी आके मर्ज हो गया. ठीक है, एंड इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन फॉर एग्जांपल, एक कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है ए लिमिटेड, उसने बिजनेस ले लिया किसका, बी लिमिटेड का. ठीक है, अब बी लिमिटेड जो है वो उसकी अपनी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है बी की. ठीक है, और ए ने बी का बिजनेस ले लिया. ठीक है, इट इज अ केस ऑफ एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिकंस्ट्रक्शन. रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम देखते हैं देयर टू टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन होता है. एक तो होता है इंटरनल एंड सेकेंड होता है एक्सटर्नल. ठीक है, एंड तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनली भी होता है. ठीक है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मैं आपको बताती हूँ, इंटरनल में तो हमारा दूसरी बात आती है. एक्सटर्नल का मतलब होता है कि सपोज एबीसी लिमिटेड हैं जिन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस को लूज कर दिया, मतलब खत्म हो गई. एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, एक ही कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड. ठीक है, और उसकी अपनी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई और एक न्यू कंपनी फॉर्म्ड हो गई विद सेम शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स क्या होंगे, सेम होंगे शेयर होल्डर्स. ओके, पी क्यू आर फॉर्म हो गई न्यू कंपनी विद सेम शेयर होल्डर्स. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि amalgamation, absorption एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में हमारा क्या डिफरेंस है. ठीक है, फर्स्ट amalgamation में दो या दो से ज्यादा कंपनी लिक्विडेट हो और एक न्यू कंपनी फॉर्म्ड हो जाए, दैट इज amalgamation. absorption में सपोज वन कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई और वो सेकेंड कंपनी की पार्ट बन गई, ठीक है, उससे जाके मर्ज हो गई, दैट इज एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है. ठीक है, बट amalgamation में न्यू कंपनी फॉर्म्ड होती है. ठीक है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी न्यू कंपनी फॉर्म्ड होती है, बट एब्जॉर्प्शन में न्यू कंपनी फॉर्म्ड नहीं होती है. ठीक है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में सपोज एक कंपनी है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई और एक न्यू कंपनी फॉर्म्ड हो जाती है विद सेम शेयर होल्डर्स एंड विद न्यू नेम. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ओके मैम, हाँ, एब्जॉर्प्शन में जो कंपनी होती है जिसको टेक किया जाता है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाती है या उसकी भी एग्जिस्टेंस रहती है बट वो उसमें मर्ज हो जाती है? नहीं, वो अपनी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है उसकी. ठीक है, हाँ, एब्जॉर्प्शन में जो जाके मर्ज होती है वो उसकी अपनी, वो अपनी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, कॉफिन में चली जाती है और एक नई टू बिकम पार्ट, वो उसकी दूसरे की पार्ट बन जाती है एग्जिस्टेंस कंपनी की, और जो आके मर्ज होती है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है. ओके,
और वो पार्ट बन जाती है एग्जिस्टिंग कंपनी का. ओके मतलब आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, एक मिनट मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ. You can see like this. These are two companies, A and B. इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हुई और ए बी, ठीक है, ए बी कंपनी नई फॉर्म हो गई, दिस इज एमलगमेशन. ठीक है, ए एंड बी की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन में पी की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है, पी विल लूज इट्स एग्जिस्टेंस एंड क्यू जो है उसमें जाके मर्ज हो गई पी. अब पी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, वो क्यू में जाके मर्ज हो गई टू बिकम पार्ट ऑफ क्यू. ठीक है, ओके. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एबीसी लिमिटेड है, ये खत्म हो गई एंड विद न्यू नेम विद सेम शेयर होल्डर्स एंड न्यू नेम ऑफ कंपनी, एक नई कंपनी आ गई. मैम कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होगा कि नहीं इसमें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में? शेयर होल्डर सेम है, ठीक है, शेयर होल्डर सेम है, इसमें भी चेंज हो सकता है लेकिन शेयर होल्डर सेम है. ठीक है, जो चेंज होता है तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहलाएगा. हाँ हाँ, वो राइट, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. यस मैम, इक्विटी और डिबेंचर में चेंज कर देते हैं. हाँ हाँ, राइट. यहाँ पे हमारा कंपनी का नाम नया हो जाता है. बट मैम, नाम चेंज करने का यहाँ पे रेशनल समझ में नहीं आ रहा है कि नाम ही क्यों चेंज करता है जब शेयर होल्डर सेम रहते हैं, कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं होता, तो इसका क्या कारण है? हाँ, रीजन ये है कि हमारा नाम इसीलिए चेंज होता है कि यहाँ पे जो है कि दैट इज एक्सटर्नल, यही तो मतलब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का कि नाम चेंज कर रहे हैं. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन एक्सटर्नल में हमारा जो होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे चेंज ना देखकर इनको नाम चेंज करना होता है, शेयर होल्डर सेम रखने होते हैं. ठीक है, देयर मे बी एनी रीजन कि हमारा नाम चेंज क्यों करना चाह रहे हैं. ठीक है, वो भी रीजन हो सकता है. एंड मैम, हो सकता है गुडविल पे बैड इम्पैक्ट पड़ा उस कंपनी से, तो इसलिए नाम चेंज कर रहे हैं. हाँ, रीजन में भी एनी के उनको नाम चेंज करने की क्या जरूरत है, शेयर होल्डर सेम है. फेयर एंड लवली का ही ग्लो एंड लवली नेम किया गया है, तो हाँ देयर मे बी रीजन फॉर दैट कि उनको नाम चेंज करना है. एंड पहला वाला जो नाम है वो खत्म हो जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और न्यू मतलब पिछली कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और न्यू कंपनी फॉर्मड हो जाती है विद सेम शेयर होल्डर्स, मतलब नए नाम के साथ. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे हम देखते हैं रीजन वाली नेम चेंज. हाँ, क्या? यस, इन केस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर में एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन क्यों नाम चेंज करना ही एक्सटर्नल है मैम, कि कुछ और भी हो सकते हैं? रीजन यहाँ पे गुडविल का भी है. ठीक है, गुडविल रीजन हो सकता है. ठीक है, और कोई रीजन मैम? यस, हाँ, गुडविल इन द सेंस कैसे, गुडविल का रीजन क्या हो सकता है मैम, एक्सटर्नल का इंपैक्ट? एक्सटर्नल सपोज कोई कंपनी ऐसी है जिसका गुडविल मार्केट में डिक्रीज हो गया है. ठीक है, तो वो चाहते हैं उस कंपनी को उनके शेयर होल्डर्स को आगे रखना. ठीक है, तो वो एक नए नाम से कंपनी फॉर्म कर सकते हैं विद सेम शेयर होल्डर्स. नाम चेंज हो जाएगा कंपनी का, दैट मीन एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, दैट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ओके, यहाँ पे हमारा ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी. ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी हम कहेंगे ओल्ड कंपनी को. ठीक है, एंड ट्रांसफरी कंपनी हम कहेंगे न्यू कंपनी को. ठीक है, एंड ट्रांसफरर कंपनी ओल्ड कंपनी में हम देखेंगे लिक्विडेशन प्रोसीडिंग यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी.
ठीक है, एंड ट्रांसफरी कंपनी जो न्यू कंपनी है वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड परचेज कंसिडरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना आना चाहिए कि परचेज कंसिडरेशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। टू मेथड्स, ठीक है, वन इज नेट पेमेंट मेथड, सेकेंड नेट एसेट मेथड, ठीक है। लमसम मेथड भी है, एंड लमसम मेथड में क्या होता है, आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि इतना पेमेंट हुआ एज परचेज कंसिडरेशन टू दिस ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। ट्रांसफरर कंपनी मतलब ओल्ड कंपनी को, ठीक है, मतलब ओल्ड कंपनी को पेमेंट करती है न्यू कंपनी, ठीक है। एंड लमसम मेथड में दिया होता है कि इतना पेमेंट किया, तो उसमें आपको निकालना नहीं होता है, ठीक है। बट इन दो केसेस में, नेट पेमेंट मेथड में एंड नेट एसेट मेथड में आपको निकालना पड़ता है, और एक और है शेयर प्रोपोर्शन मेथड, ठीक है। तो उसमें आपको निकालना पड़ता है कि परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन में हमारा नेट पेमेंट मेथड आया एंड नेट एसेट मेथड आया, एंड वन आई टोल्ड यू लमसम मेथड, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफरर कंपनी को वेंडर कंपनी भी हम कह सकते हैं, सेलिंग कंपनी भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो पहले जो इसका था दैट इज पहले इसको हम वेंडर कंपनी कहते हैं। ट्रांसफरर कंपनी मींस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, इससे पहले जो इसमें था इसका नाम, इसको कहते थे वेंडर कंपनी, ठीक है। अब इसको कह दिया गया ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। ट्रांसफरर कंपनी मींस द कंपनी विच इज amalgamated into another company, जो कंपनी amalgamated हुई अदर कंपनी में उसको हम कहेंगे ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। एंड इसको हम प्रायर टू दिस स्टैंडर्ड हम वेंडर कंपनी के नाम से जानते थे, ठीक है। अब इसको ट्रांसफरर कंपनी कहा जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। इसको ये सेलिंग कंपनी होती है, ठीक है, जो सेल हो रही है, ठीक है, जो एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है। ट्रांसफरिंग कंपनी That is purchasing company, जो खरीद रही है उसको हम कहेंगे transferring company, that is new company, okay। तो यहाँ पे transferring company means the company into which the transferer company is amalgamated, जिसमें आके वो amalgamate हो रही है, ठीक है, वो हो गई transferring company, जो purchaser company है, ठीक है। इसको पहले परचेजर कंपनी कहा जाता था, इस स्टैंडर्ड से पहले हम इसको परचेजर कंपनी कहते थे, ठीक है। जैसे ट्रांसफरर कंपनी को वेंडर कंपनी कहा जाता था प्रायर टू दिस स्टैंडर्ड, ठीक है, ऐसे ही ट्रांसफरी कंपनी को, जैसे मैंने बताया ट्रांसफरर कंपनी को प्रायर टू दिस स्टैंडर्ड वेंडर कंपनी कहते थे, इन द सेम वे ट्रांसफरी कंपनी को प्रायर टू दिस स्टैंडर्ड परचेजर कंपनी कहते थे, ठीक है, परचेजर कंपनी कहते थे, ठीक है। अब इसको ट्रांसफरिंग कंपनी, ठीक है, तो ट्रांसफरर कंपनी जो एग्जिस्टेंस जिसकी खत्म हो रही है, ठीक है, और ट्रांसफरिंग कंपनी तो न्यू कंपनी है, ठीक है, वो परचेज करेगी, और परचेज करेगी कंपनी को तो उसका कुछ पेमेंट देगी, उस पेमेंट को कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन हमारा जो मेथड है वो नेट पेमेंट मेथड है एंड सेकेंड नेट एसेट्स मेथड है, ठीक है। तो हमें नेट पेमेंट मेथड देखना होगा और नेट एसेट मेथड देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें देखना होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ओल्ड कंपनी बुक्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन न्यू कंपनीज बुक, ठीक है। एंड परचेज कंसिडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, परचेज कंसिडरेशन कैसे किस तरह से हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, शेयर्स में भी हो सकता है, डिबेंचर्स में भी हो सकता है, ठीक है, प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने लिख दिया आपका लमसम मेथड में, क्वेश्चन में दिया होगा कि कितना पेमेंट दिया गया है, तो लमसम मेथड में आपको परचेज कंसिडरेशन नहीं निकालना होता, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन पेमेंट मेड बाय द न्यू कंपनी टू ओल्ड कंपनी, दैट इज परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। नेट पेमेंट मेथड हम देखें तो नेट पेमेंट मेथड में हमारा पेमेंट किसको किया जाएगा, ओनर्स को, ठीक है, और पेमेंट वो कौन होंगे, जो हमारे इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है, किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ कैश, शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, इस तरह से पेमेंट इनको किया जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा जो है वो है नेट एसेट मेथड, ठीक है। तो नेट एसेट्स मेथड में हम देखेंगे
नेट एसेट मेथड में हम देखेंगे जो एसेट्स ली हैं, ठीक है, एसेट्स ली हैं एट मार्केट वैल्यू, ठीक है, जो एसेट्स ली हैं उन्होंने उसी का वही तो पेमेंट में देना होगा, ठीक है, तो इसमें हमको परचेस कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा नेट एसेट मेथड में कि कितना पेमेंट देना होगा, किसको किसको देना होगा, परचेजिंग कंपनी को देना होगा, सेलिंग कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एसेट्स लेंगे, ठीक है, कौन से एसेट्स लेंगे हम वो देखते हैं और क्या हमें नहीं लेना है नेट एसेट मेथड में, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट नेट एसेट मेथड, परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ एसेट टेकन ओवर, ठीक है, माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर, ठीक है, यस, हाँ, ओके, ऐसे निकाला जाएगा परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट्स में हम क्या लेंगे, द अमाउंट ऑफ द एसेट्स टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है, आर एडेड एंड द एसेट नॉट टेकन ओवर आर एक्सक्लूडेड, ठीक है, जो एसेट्स ली हैं ट्रांसफरी कंपनी ने, ट्रांसफरर कंपनी की, वो सारी एसेट्स ली जाएंगी, ठीक है, और जो नहीं ली है उसको हम नहीं लेंगे परचेज कंसिडरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, जो एसेट्स ली हैं से उसको लेंगे हम, जो एसेट्स नहीं ली हैं उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह से फिक्स्टिशियस एसेट्स जो हैं, ठीक है, फिक्स्टिशियस एसेट्स को नहीं लिया जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन। फिक्स्टिशियस एसेट्स हमारा हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, ठीक है, ओके, यहाँ पे हो गया एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इंक्लूडिंग डिस्काउंट एंड कमीशन एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस गिविंग ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आर नेवर इंक्लूडेड इन टोटल एसेट्स, ठीक है। तो जितना भी फिक्स्टिशियस एसेट्स है वो नहीं लिया जाएगा, और जो नहीं ली है एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी ने, ट्रांसफरर कंपनी की, उसको भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। लायबिलिटीज में हमारा क्या आएगा, ठीक है, लायबिलिटीज में हमारा जो लायबिलिटीज ली हैं ट्रांसफरी कंपनी ने, ठीक है, वो लायबिलिटीज हम लेंगे, ठीक है, एंड लायबिलिटीज जो नहीं ली है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो लायबिलिटीज हैं, इन लायबिलिटीज को जैसे क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड है एंड अदर रिजर्व्स जो क्रिएट करे गए हैं आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से जो क्रिएट किए गए हैं रिजर्व्स, ठीक है, वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है, बिकॉज वो हमारा जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, ठीक है, एंड दैट्स वाई ये जो होता है, ये जो हमारा हमारे जो ये दिए गए हैं, जो हमारा आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से जो हमारे फंड्स को क्रिएट किया गया है, ठीक है, जैसे हमारा जनरल रिजर्व हो गया, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कंपनसेशन फंड हो गया, डिबेंचर्स रिडम्पशन फंड हो गया और अदर रिजर्व जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड किए जाएंगे, बांटे जाएंगे रिजर्व, उन रिजर्व को हम लायबिलिटीज में नहीं लेंगे, ठीक है मैम। हाँ, अगर प्रोविडेंट फंड इंप्लाय प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड लिया जाएगा, वर्कर कंपनसेशन फंड लिया जाएगा। मैम, हाउ टू रिकॉग्नाइज कि रिजर्व है कि फंड है मैम? अगर मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया आउट ऑफ प्रॉफिट जो क्रिएट किया गया है, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट जो क्रिएट किया गया है उसको आप नहीं लेंगे, वो शेयर होल्डर्स में बटेगा, जो शेयर होल्डर्स का रिजर्व है, ठीक है, वो लायबिलिटी में नहीं आएगा, ठीक है, ओके। लायबिलिटी जो है, जो लायबिलिटी है एक्चुअल में, उसको आप लोगे जो ली है ट्रांसफरी कंपनी ने, और जो नहीं ली है तो वो तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है, बट जो रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट किए गए हैं, लेट मी स्पीक अप, फिर आप क्वेश्चन करिएगा, प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट किए गए हैं, जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड होंगे, वो आप रिजर्व को नहीं लेंगे, मानेंगे एज लायबिलिटी,
मतलब वो लायबिलिटी नहीं होगा, वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स का होगा रिजर्व्स ऑफ फंड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अच्छा, तो ये पहले आप ये मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता क्या है? That is created for the investment. Investment. वो liability है या reserves है? आप ये बताइए वो liability है या reserve है? क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है, वो लायबिलिटी आप मान रहे हो उसको या आप उसको रिजर्व मान रहे हो? लायबिलिटी है, दैट इज लायबिलिटी, नो 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 नो, ठीक है, तो जो लायबिलिटी है, ठीक है, वो रिजर्व जो क्रिएट किए गए हैं एंड प्रॉफिट से क्रिएट किए गए हैं वो आप नहीं लोगे लायबिलिटी में। लायबिलिटी का मतलब है जो एक्चुअल में लायबिलिटी हो, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड क्यों होता है? ये लायबिलिटी साइड इसलिए होता है क्योंकि कंपनी की ये लायबिलिटी है टुवर्ड्स शेयरहोल्डर्स के, शेयरहोल्डर्स में डिवाइड किया जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट से क्रिएट किया गए फंड, प्रॉफिट से क्रिएट किए गए हैं क्योंकि शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया गया, तो ये प्रॉफिट से फंड को क्रिएट कर लिया गया, तो ये शेयरहोल्डर्स का ही राइट हैंड पे, ठीक है, ये लायबिलिटी थोड़ी है, ये तो रिजर्व आपने बनाए हैं, ठीक है, रिजर्व्स बनाए हैं क्योंकि ये शेयर होल्डर्स में डिवाइड होंगे, इस ये प्रॉफिट क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया गया है। लायबिलिटी थोड़ी है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ठीक है, तो वो तो वर्कमैन के लिए है, प्रोविडेंट फंड है, वो तो लायबिलिटी है ही, वो तो लेना होगा लायबिलिटी में। गॉट इट? ओके, अच्छा, यहाँ पे अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन है परचेज कंसिडरेशन का, ठीक है, क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा एंड हियर यू हैव टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया है कि एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, जो सेम टाइप ऑफ बिजनेस में इंगेज्ड है एंड दे डिसाइडेड टू अमलगमेट एंड फॉर द परचेज ऑफ देयर बिजनेस सी वाज फॉर्म्ड, ठीक है, सी को फॉर्म किया गया, एक हमारी नई कंपनी फॉर्म्ड हुई, ठीक है, दैट इज सी, ओके, एंड द बैलेंस शीट वर एज फॉलोज, ये बैलेंस शीट हमारी दी हुई है, ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे इनको जो है वो नेट एसेट मेथड से आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ है वहां पे जो है वो हमारी एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो होगा वो हमारी परचेज कंसिडरेशन है। एसेट्स जो हैं इनके वो हैं 250,000 ए लिमिटेड के एंड बी लिमिटेड के हैं 2,46,000, ठीक है, एंड इनकी जो लायबिलिटी है वो है, लायबिलिटी साइड आप देख लीजिए, ट्रेड पेबल्स जो दिया है वो ए लिमिटेड का 30,000 एंड बी लिमिटेड का 66,000, ठीक है, और इनके कुछ रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो आपको लेना नहीं है लायबिलिटी में क्योंकि वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा। ऊपर आप देख रहे हो रिजर्व फंड्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का दिया हुआ है, रिजर्व फंड दिए, ये आपको नहीं लेना है लायबिलिटी में, ओनली आपको ट्रेड पेबल्स लेना है और वो आपने लेस कर दिया, ठीक है, लायबिलिटीज क्योंकि ले ली है न्यू कंपनी ने तो आपने एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर दिया, तो ये परचेज कंसिडरेशन दोनों का निकल आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जिसमें हमारा बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, देयर टू कंपनीज ए एंड बी, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, दो कंपनीज हैं एंड द टू कंपनीज एग्री टू एमलगमेट, ठीक है, दोनों कंपनी ने एमलगमेट होने के लिए एग्री हो गए एंड न्यू कंपनी फॉर्म हुई
दैट इज जेड लिमिटेड. ठीक है, जो सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ले रही है दोनों कंपनीज की, ए की भी और बी की, दोनों की सारी एसेट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ले रही है कौन सी? न्यू कंपनी, दैट इज जेड लिमिटेड. ठीक है, एंड द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ जेड लिमिटेड इज 100 लाख. ठीक है, द एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड आर टेकन, किस पे कितने पे लिया है एसेट्स को इन्होंने? इन्होंने लिया है द एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड आर टेकन ओवर एट अ रिड्यूस्ड वैल्यूएशन ऑफ 10%. ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच आर एक्सेप्टेबल एट बुक वैल्यू. ठीक है, एंड बोथ कंपनीज आर टू रिसीव 5% ऑफ द नेट वैल्यूएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव बिजनेस एज गुडविल. नेट वैल्यूएशन जो आएगा इनका, ठीक है, मींस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज का जो नेट वैल्यू आएगी उस पे 5% जो है वो गुडविल, एज गुडविल इनको देना होगा. ठीक है, एज गुडविल इनको उसमें परचेज कंसिडरेशन में एड हो जाएगा 5% ऑफ नेट वैल्यूएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव बिजनेस. ठीक है, द एंटायर परचेज प्राइस इज टू बी पेड बाय जेड लिमिटेड इन फुली पेड शेयर्स. ठीक है, जो एंटायर परचेज प्राइस है वो जेड लिमिटेड पे करेगा इन फुली पेड शेयर्स में. ठीक है, एज आई टोल्ड यू के परचेज कंसिडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता है परचेज कंसिडरेशन, इक्विटी शेयर होल्डर्स के फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, कैश में भी हो सकता है और डिबेंचर्स में भी हो सकता है. ठीक है, नाउ कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो एसेट्स ली गई हैं वो ली हैं हमारा रिड्यूस वैल्यूएशन ऑफ 10%. ठीक है, जितनी भी एसेट्स की वैल्यू थी उससे 10% रिड्यूस कर दिया है एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग. तो यू कैन सी है कि यहाँ पे इन्होंने जो एसेट्स की वैल्यू है वो है 17,30,000. ठीक है, ए की, एंड बी की है 6,80,000. ठीक है, तो यहाँ पे ए की तो हमारी 17,30,000 आ गया. ठीक है, इसमें से इन्होंने जो 10% रिडक्शन है एसेट्स का वो निकाल लिया और उसमें लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर और सबको 10% रिड्यूस वैल्यू पे लिया गया है, 10% रिड्यूस करके. तो यहाँ पे हमने जो थे हमारे लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर, ठीक है, उन सब की हमने टोटल निकाल लिया और उसको 10% रिड्यूस कर दिया और 10% रिड्यूस आई वैल्यू 1,40,000 रिड्यूस कर दिए तो 15,90,000 ये आ गया हमारा. ठीक है, इतनी वैल्यू एसेट्स की आ गई. ठीक है, लायबिलिटीज जो ली गई हैं वो ली हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ट्रेड पेबल्स एंड डिबेंचर्स, ये लिया है. ठीक है, यू कैन सी इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में इनके रिजर्व्स भी हैं, दैट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिजर्व फंड्स जो है हमारे. ठीक है, वो आप नहीं लेंगे. ठीक है, वो आप नहीं लेंगे, दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स के रिजर्व्स हैं वो नहीं लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ट्रेड पेबल्स एंड 6% जो है डिबेंचर्स वो एज लायबिलिटीज ली और उसको जब एसेट्स में से लेस कर दिया तो नेट एसेट आ गया 12,60,000. ठीक है, दोनों ही केसेस में हमने सेम प्रोसेस किया, ए का भी और बी का भी. नाउ इसमें गुडविल इन्होंने ऐड कर दिया है एज 5% ऑफ नेट एसेट जो है वो गुडविल के दिए गए इनको, तो 5% नेट एसेट का हमने ले लिया. ठीक है, नेट एसेट है 12,60,000, उसका 5% 63,000 आया ए का और इसका आया बी का 30,000. ठीक है, इसको भी ऐड कर दिया तो परचेज कंसिडरेशन आ गई 13,23,000, ए की एंड बी की आई 6,30,000. ठीक है, तो ये परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट हो गया और ये जो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, ये पे किया है दैट इज टू बी पेड बाय जेड लिमिटेड इन फुली पेड शेयर्स. ये फुली पेड शेयर्स में इसने जेड लिमिटेड ने पे किया ए एंड बी को. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर. मैम एक क्वेश्चन था. हाँ, मैम जैसे एमलगमेशन होता है जिसमें दो कंपनियां जो होती हैं वो खत्म होकर एक तीसरी नई कंपनी बन जाती है, वैसे सेम मर्जर में भी यही मैंने मतलब पढ़ा है कि मर्जर में भी दो या दो से ज्यादा कंपनी खत्म होके और तीसरा फॉर्म बन हो जाती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो होता है एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एक होता है एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. ठीक है, मर्जर में मर्ज हो जाता है और उसमें आप जो होता है वो परचेज कर लेते हो. ठीक है,
मर्जर में मर्ज हो जाता है और एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज जो होता है, एक एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, एक एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है। ठीक है, समझ में आई बात? मर्जर में मतलब मैम क्या मर्ज होता है? मर्ज हो जाता है तो उसमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है? नहीं, ये इनके उस पे है कि इनके अपने अपने एग्रीमेंट पे है उनका। ठीक है, ओके। जैसे अभी आपने जो एग्जांपल दिया वो तो इन द नेचर ऑफ परचेज हुआ है। हाँ, और मर्जर में मतलब किस तरीके से होगा वो थोड़ा आप क्लियर करवा दीजिए। देखो, amalgamation in the nature of merger में all the assets and liabilities जो होती transferor company की that become, जो after amalgamation वो assets and liability transferee company की बन जाती है। ठीक है, okay। मैं बन तो जाती है लेकिन कुछ पेमेंट वगैरह, जैसे कोई एक कंपनी है वो उसका थोड़ा ज्यादा वर्थ है दूसरी की कम वर्थ है, तो मतलब किस तरीके से क्या मतलब वर्क ज्यादा है वर्थ? मैम कोई कंपनी है जिसकी एसेट्स वगैरह सारा ज्यादा है, मतलब किसी एक कंपनी का ज्यादा है एक कंपनी का कम है और फिर वो मर्ज हो रही तो उसमें कुछ तो पे करना पड़ता होगा। हाँ, कैश, कैश में भी पेड। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शनल शेयर। ठीक है, कैश पे किया जा सकता है, मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स जो होते हैं हमारे ट्रांसफर कंपनी के वो बन जाते हैं ट्रांसफर ही कंपनी के। ठीक है, दैट इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं ट्रांसफर कंपनी की वो आफ्टर एमलगमेशन हो जाती हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ठीक है, ठीक है, ये जब हम एमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर एंड परचेज पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं ट्रांसफर कंपनी की, ट्रांसफर कंपनी की सॉरी, वो ट्रांसफर कंपनी की बन जाती है। ठीक है, एंड जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारे ट्रांसफर कंपनी के, वो ट्रांसफर कंपनी के बन जाते हैं। ठीक है, एंड दैट वो मर्जर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase। ठीक है, जो मैंने आपको बताया यू दैट इज परचेज का। और मर्जर में क्या होता है, मर्जर में क्या होता है कि हमारा जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर कंपनी की है वो ट्रांसफर ही कंपनी की बन जाती है। ठीक है, ओके, दैट इज मर्जर। समझ गए बात आप? ओके मैम। ठीक है, हम इसको मर्जर को एंड परचेज को इसको हम डिटेल में देखें। अभी तो मैंने आपको परचेज कंसिडरेशन बताया है। ठीक है, एमलगमेशन बताया क्या होता है एंड एमलगमेशन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है ये बताया। ठीक है, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में मर्ज होता है और परचेज में वो परचेज कर ली जाती है कंपनी को, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है प्रीवियस वाली की। ठीक है, मीन्स वो जाके नेक्स्ट वन से मर्ज हो जाती है। ठीक है, इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज का हेर फेर होता है। ठीक है, और परचेज में हमारा परचेज कर लिया जाता है परचेज कंसिडरेशन पे करके। एनी क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम, थैंक यू मैम। ओके, नो मैम, थैंक यू मैम। ओके।